सो हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं अपने ही गांव के प्राचीन मंदिर श्री गद्दीधर बाबा मंदिर, जो कि हमारे गांव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और इस बार काफ़ी दिन के बाद गांव जाना हुआ, तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि कहीं चलते हैं। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि हम लोग अपने ही गांव के एक मंदिर में चलेंगे। और अभी मैं यहाँ आई हूँ तो बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। इससे पहले जब गाँव में रहते थे, वो छोटे से थे, तब कई बार यहाँ आए थे, आते जाते रहते थे, तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर नई दिखी हम लोगों को। और यहाँ पे एक पत्थर लगा दिया गया है, एक शिला लगी हुई है जिस पर लिखा है कि इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पे हम लोग आए तो सबसे पहले एक ये पीपल का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर। और ये जो बाउंड्री बनी हुई है, ये भी पहले नहीं थी, बहुत पहले जब हम लोग आते थे। तो यहाँ पे हम लोग अंदर जाएंगे और अंदर जाके ये है पीपल का वो पेड़, ये बहुत बड़ा सा है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और अब हम लोग अंदर जाएंगे तो ये वो शिला है जिस पे लिखा हुआ है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। और अंदर जाएंगे तो सबसे पहले जो ये शिव जी की पेंटिंग बनी हुई है, ये भी पहले नहीं थी, पर ये काफ़ी सुंदर है। तो इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तो देखेंगे इस जो मंदिर का जो नाम है कि अब इस मंदिर का नाम क्या है। पहले तो इसे गाँव में सब लोग गद्दीधर बाबा या गद्दी बाबा के नाम से ही जानते थे, लेकिन अब इसको एक नाम दिया गया है नरसिंह। इस पे लिखा हुआ है श्री नरसिंह गद्दीधर बाबा मंदिर, यही नाम हो गया है इसका। तो यहाँ पर एक उधर दूसरे साइड में कृष्ण जी की प्रतिमा बनी हुई है जिसमें वो कालिया नाग पर नृत्य कर रहे हैं। ये हम लोग मंदिर के अंदर गए तो यहाँ पर सीता स्वयंवर का दृश्य बना हुआ है, श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, ये जो उनके स्वयंवर का दृश्य है जब सीता जी जयमाल पहना रही हैं राम जी को। और ये श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे राधा जी और कृष्ण जी की प्रतिमा, और ये माता शिरोवाली। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो नीचे पहले यहाँ पे शिवलिंग हुआ करता था, अब उसको हटा दिया गया है किसी कारणवश। और ये जो गणेश जी की प्रतिमा है, ये दीवार पर, और ये हनुमान जी की प्रतिमा, दोनों दीवार पर ही बनाई गई हैं। और ये नरसिंह भगवान की ये तो पेंटिंग है, इससे पहले वाली प्रतिमाएँ थी पर ये पेंटिंग है। और ये उस समय का दृश्य है जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो ये उस समय का दृश्य था। और ये आगे यहाँ पर ये पीपल के पेड़ के नीचे जो एक प्रतिमा बनी हुई है, उसको देखकर हम लोग आ रहे हैं। और अब यहाँ हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पे जहाँ जो साधु रहते हैं यहाँ पे, उनका परिवार रहता है, तो उनके पास खरगोश थे, तो हम लोगों ने थोड़ा खरगोश को खिलाया, ये देखिए यहाँ पर। और उसके बाद आगे जाएंगे तो ये वही ये है कन्हा जी की प्रतिमा जिसमें वो शेष कालिया नाग पर नृत्य कर रहे हैं। तो इस प्रतिमा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जब भी हमारे गांव में कभी बाढ़ आती है तो ये जो कान्हा जी जहाँ पर नृत्य करते हुए जो उनकी प्रतिमा है, तो उनके चरण स्पर्श कर ही बाढ़ वापस जाती है, ऐसी एक मान्यता है। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं, तो हम लोग कार में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं वापस। और हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई थी, तो ये रही वो फ़ोटोज़। और इसी के साथ साथ बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।